यहां से भी नंबर 1, 2, 3, लेकिन यहां पे लेफ्ट से भी जाओ, अब राइट से भी जाओ, दोनों साइड पे नंबरिंग सेम है। और आपको मैंने बोला था अगर ये पोजीशन पे रहेगा तो ये सिस है, ये पोजीशन पे रहेगा कोई भी तो ये भी सिस फॉर्म है, दोनों का नंबर भी आइडेंटिकल है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और ये दोनों सिस फॉर्म है। चलो ये चेक करते हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म रहेगा, ट्रांस फॉर्म रहेगा क्योंकि आपको बता था इसमें से कोई भी एक पोजीशन पे रहेगा, इन चारों में से कोई भी एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहेगा तो ट्रांस फॉर्म रहता है। अब इसमें चेक करते, 1, 2, 3, अब इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो, सबसे पहले ये कौन से पोजीशन पे, 2 और 3, तो नो टेंशन, प्लस कौन सा फॉर्म है ये, इस तरफ है तो ये हो गया सिस फॉर्म हो गया उसका। चलो अब नेक्स्ट क्या पे, 1, 2, 3 और ये 4, यहां पे 1, 2, 3, अब आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहां पे इसका जो है 3 और 4 के बीच में बॉन्ड है, यहां पे 2 और 3 के बीच में बॉन्ड है, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स, ये एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स हम बाद में करेंगे। अभी कौन सा नंबर है उसके साइड में डालना, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड का कंडीशन क्या है, मिनिमम 1 या फिर मिनिमम 1 ऑफ द रिंग्स शुड हैव पाई एटम, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मिनिमम एक जो रिंग है उसके पास कितना रहना चाहिए, 5 एटम। तो इसमें से आप बताओ किस किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, क्या फर्स्ट वाले पॉसिबल है क्या? सर ठीक है, यहाँ पे दोनों मेंबर 5 है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, क्या सेकंड में पॉसिबल है क्या? हाँ सर, इसमें भी है। हाँ सर, थर्ड वाले में? हाँ सर, हाँ सर, 6 मेंबर्ड है और दूसरा तो 5 है, तो ये भी पॉसिबल है, क्या इसमें पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं है। क्या लास्ट वाले पॉसिबल है? एक जो रिंग है 6 है, तो इसमें भी पॉसिबल है। ओके, अब हम लोग करेंगे इसके लास्ट का 2 जो है, दैट इज क्यूमुलिन, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके जेई मेन्स के सिलेबस के लिए। क्या आपके लिखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म due to C double bond C in cumulene। अब देखो C double bond C का तो हमने already किया था पहले, इसका condition क्या था कि यहाँ पे XY group रहना चाहिए, इधर भी XY group रहना चाहिए, यही condition था। अब cumulene क्या है, जरा ध्यान देना। सबसे पहले चीज,
जब आप ध्यान देना, इसको क्यूमुलिन बोलते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ध्यान दो, जब दो कार्बन डबल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच रहता है तो उनके बीच का एंगल कितना रहता है, 180। जब एक और एक डबल बॉन्ड ऐड करते हो तो वो और एक 90 डिग्री रोटेट होता है। वापस समझने का ट्राई करो, जब दो कार्बन रहता है इनके बीच में एंगल, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो दोनों स्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्लेनर। मतलब क्या है कि ये सबको आप क्या बना सकते हो, एक ही पेज पे बना सकते हो। जब आप एक और डबल बॉन्ड ऐड करते हो ये स्ट्रक्चर और एक 90 डिग्री से रोटेट हो जाता है, जिसके वजह से कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर, देखो ये जो एक्स और वाई है ये तो प्लेन के ऊपर ही रहेंगे, लेकिन ये जो एक्स है ये प्लेन के बाहर जाएगा और ये जो प्लेन है ये आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये स्क्रीन के पीछे जा रहा है एक्स और ये स्क्रीन के आगे आ रहा है। ओके, ध्यान दो, अब सपोज आपने यहां पे और एक एक ऐड किया डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होएगा, ये और एक 90 डिग्री रोटेट होएगा। अब 90 डिग्री रोटेट हुआ तो क्या होएगा, ये एक्स और ये वाई वापस क्या होएगा, प्लेन पे आ जाएगा, मतलब वापस ये शीट के ऊपर आएगा। आप और एक एक सपोज यहां पे डबल बॉन्ड ऐड कर रहे हो तो ये क्या होएगा, वापस ये 90 डिग्री रोटेट होएगा, ये एक्स क्या होएगा, स्क्रीन के पीछे जाएगा, ये जो वाई है स्क्रीन के ऊपर आएगा, यहां का जो एक्स और वाई है प्लेन के ऊपर रहेगा। ओके, अब मेन चीज क्या है, जब आपका एक्स कॉमा वाई परपेंडिकुलर है प्लेन से तो यहां पे क्या आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं पॉसिबल है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी पॉसिबल है। ये हम लोग जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करेंगे तब आपको मैं ये वापस याद दिलाऊंगा। जब आपका एक्स कॉमा वाई प्लेन के ऊपर है तो यहां पे आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल। जब आपका एक्स कॉमा वाई परपेंडिकुलर है तो आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट परपेंडिकुलर है। ओके, तो कंडीशन क्या है, आपको एक चीज तो इसमें देख के समझ में आ रहेगा, कंडीशन वैसे पहला कंडीशन क्या है कि जो एक्स और वाई है ये एक दूसरे से डिफरेंट रहना चाहिए। सेकेंड, आपने नोटिस किया रहेगा जब आपका डबल बॉन्ड्स ऑड नंबर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स रहेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल। तो आप लिखोगे व्हेन डबल बॉन्ड आर इवन नंबर रहेगा, ओ सॉरी ऑड नंबर रहना, ऑड नंबर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल, ये सब कंडीशन। एक पॉइंट याद रखना, टू एडजेसेंट पायरो रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब स्पाइरो रिंग है क्या, जरा ध्यान देना, सेम और डबल बॉन्ड जैसे कंसेप्ट है, यहां पे क्या रहेगा आपका एक्स वाई ये क्या है, प्लेन के ऊपर है, लेकिन जब आप और एक यहां पे स्पाइरो रिंग बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा प्लेन के बाहर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री में, और जो दूसरा जो वाई रहेगा ये आपके स्क्रीन के आगे आता है। सेम वे आप क्या करो, यहां पे देखो डबल बॉन्ड का वही कंसेप्ट है ना, डबल बॉन्ड पे भी देखो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं, वही सेम कंसेप्ट है।
यहां पे अगर सपोज तीन मेंबर्ड बनाया तो ये जो तीसरा मेंबर रहेगा ये क्या रहने वाला है, परपेंडिकुलर रहेगा, सॉरी प्लेन में रहेगा। सपोज ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो यहां पे ओ सॉरी ये भी प्लेन में रहने वाला है। यहां पे आप लिखो एक्स कॉमा वाई, ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल। ये एक्स कॉमा वाई ये प्लेन के ऊपर है जिसके वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म यहां पे पॉसिबल है। कंडीशन आपको इसमें भी समझ में आ रहेगा। सबसे पहले चीज आपका जो टर्मिनल एटम्स है ये सेम नहीं रहना चाहिए, ये सबसे पहला कंडीशन है। ओके, जो दूसरा कंडीशन है क्या रहना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पायरो रिंग्स फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या फर्स्ट वाले में पॉसिबल है क्या? नहीं सर। कितना कितना रहेगा, क्यों नहीं पॉसिबल सबसे पहले वो बता। सर दो डबल बॉन्ड रहेगा। ये देखो इसको आप एक डबल बॉन्ड कंसिडर करोगे, इसको आप एक डबल बॉन्ड कंसिडर करोगे, टोटल दो डबल बॉन्ड्स हो गए ना। ऑड नंबर रहेगा तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल। चलो इसमें कितना रहेगा डबल मेंबर, कितना रहेगा इसमें? तीन डबल बॉन्ड, ये एक और ये एक और एक, टोटल तीन हो गया। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। क्या इसमें पॉसिबल है एग्जांपल थ्री में? हाँ सर, तीन, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। क्या नेक्स्ट में? इसमें भी पॉसिबल है, एक दो तीन, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट वाला देखो जरा, एक दो तीन और ये चार, इवन नंबर हो गया, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होएगा। क्या इधर होएगा क्या? नहीं नहीं, इवन नंबर है, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगा। अब इधर होएगा क्या? सर नहीं होएगा। अभी बहुत जन नहीं बोलेंगे, मेरे को पता था। देखो इसको अगर ध्यान से जरा देखना। चलो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्यूमुलिन का लॉजिक तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो इवन नंबर है, बात बराबर है, लेकिन आप ये डबल बॉन्ड नोटिस करो। ठीक है, अब जरा ध्यान देना ये स्ट्रक्चर पे। मैं कर रहा हूं यहां पे हाइड्रोजन यहां पे बना रहा हूं, और जो CH3 है क्या नोटिस कर रहे हो? ये CH3 और ये CH3 ये दोनों पास में आ गए ना, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिर्फ फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इसमें आप क्या कर सकते हो, यहां पे CH3 को ऊपर लेके जाओ, H को नीचे लेके जाओ, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांस फॉर्म हो गया ना। यहां पे पॉसिबल है ज्योमेट्री, तो इसका ध्यान देना। ऑफ कोर्स क्यूमुलिन के इसमें आप काउंट करोगे तो नहीं होएगा क्योंकि आपको इसमें दो है, लेकिन आपको डबल बॉन्ड के हिसाब से कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है? यहां पे ये क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ये देखो नोटिस करोगे ये सिमेट्रिकल इस पे नहीं है। अगर आपको सा CH3 इधर H यहां पे रहता तो प्रॉब्लम होता था, तो आप नहीं बोलते थे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या रहता था, एंगल 90 डिग्री रहता था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट, क्या इसमें पॉसिबल है क्या? हाँ सर, हाँ, एक दो तीन, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है क्यूमुलिन के इसमें। क्या इसमें पॉसिबल है क्या?
एक दो हाँ सर है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगा। चलो लास्ट वाले में पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, ये देखो वन टू थ्री और फोर, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल। तो कोई कोई स्ट्रक्चर में आपको ध्यान देना पड़ेगा और डबल बॉन्ड को भी कभी कभी देख लेना, जरूरी नहीं है कि हमेशा क्यूमिलिन क्यूमिलिन ही आते रहेगा, कभी कभी डबल बॉन्ड को भी आपको ध्यान देना। क्लियर? चलो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, एग्जांपल नंबर 11, ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो। दैट इज ये दिया है, कर सकते हो। ये देखो अफकोर्स ये वन टू थ्री और ये फोर है, क्यूमुलिन के रिंग के हिसाब से तो नहीं होएगा, लेकिन क्या है क्यूमुलिन है क्या सबसे पहले चीज? नहीं ना, क्योंकि अगर हाँ इधर रहता तो प्रॉब्लम होता था। तो ये H और CH3 आप बोलते थे ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे तो ये नीचे है, तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों अभी भी प्लेन के ऊपर ही है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, H और CH3, इसका CH3 का पोजिशन आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इसकी वजह से क्या आएगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये तो सिंपल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड थोड़े एग्जाम्पल देते हैं। सिंपल है क्या फर्स्ट वाले में? पॉसिबल है क्या? देखो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन, यहाँ पे जो कोने का कार्बन है इस पे दोनों क्या रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो कार्बन रहेगा अफकोर्स इसमें एक हाइड्रोजन रहेगा और इसका दूसरा बॉन्ड डिफरेंट है, तो अफकोर्स इसमें पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे ये कार्बन, इसके भी दोनों ग्रुप्स क्या सेम है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। अफकोर्स इन दोनों के बीच में पॉसिबल है, लेकिन दोनों क्या रहना चाहिए था, सी डबल बॉन्ड सी रहना चाहिए था, लेकिन ये तो सी सिंगल बॉन्ड सी है, ऐसा तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कंडीशन आपको दिया नहीं है, तो फर्स्ट वाले में पॉसिबल नहीं है। क्या सेकंड वाले में पॉसिबल है क्या? नहीं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है। क्या थर्ड वाले में पॉसिबल है क्या? नहीं सर, पॉसिबल है। ये देखो सबसे पहले चीज, इधर लोन पेयर रहेगा और ये हाइड्रोजन कार्बन का आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे एक तो ग्रुप हाइड्रोजन रहने वाला है कुछ भी करके, और इसका दूसरा ग्रुप तो ये है, तो ये तो सी एन के बीच में हो गया ना, तो इधर एक पॉसिबल है सी डबल बॉन्ड एन के बीच में। अब इधर भी वही सेम चीज रहेगा, नाइट्रोजन का एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन का एक हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप जो रहेगा, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। क्या इसमें पॉसिबल है क्या, फोर्थ वाले में? हाँ सर। बाकी लोग का भी आंसर नहीं आएगा ना? हाँ बोलो, क्यों पॉसिबल है सबसे पहले? तो लोन पेर रहेगा, लोन पेर और यहाँ पे लोन पेर, प्लस ये ग्रुप भी क्या है डिफरेंट है, डिफरेंट, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। क्या फिफ्थ वाले में पॉसिबल है क्या? सबसे पहले साइक्लोएल्कीन चेक करो, साइक्लोएल्कीन जो है उसके लिए सेवन मेंबर्ड रिंग रहना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ सिक्स है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। फिर आप रिंग में कोई तो दो कार्बन sp3 रहना चाहिए,
ठीक है चलो, दो sp3 कार्बन है इसमें, ये दो जगह, लेकिन इन दोनों पे ग्रुप्स तो सेम है, इन दोनों पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑफकोर्स नॉट पॉसिबल। सिक्स वाले में चेक करते, साइक्लो एल्किन रिंग तो नहीं है क्योंकि सिक्स मेंबर रिंग है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां पे चलो देखते हैं, यहां पे ये जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन है, इसका जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, ये जो सिक्स वाले में है इसमें अगर आप नोटिस करोगे दूसरा ग्रुप भी हाइड्रोजन है। हाँ, नीचे वाला जो है इसपे दो ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन ऊपर वाले पे दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब चलो इसमें क्या यहां पे साइक्लो एल्किन में पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि ये सिक्स मेंबर्ड रिंग है, लेकिन दो sp3 कार्बन देखो, दो sp3 कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, इसकी वजह से सब्स्टिट्यूटेड रिंग के इफेक्ट के वजह से कि दोनों sp3 कार्बन डिफरेंट ग्रुप से। चलो इसमें देखते हैं, यहां पे सबसे पहले चीज पायरो रिंग का कंसेप्ट है, तो 1 और 2 इवन नंबर हो गया, ये तो इवन नंबर हो गया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पायरो रिंग के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ये डबल मेंबर्ड रिंग कंसिडर करोगे इसमें आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन इसको ऊपर ले सकते हो, CH3 इसको नीचे ले सकते हो, और नेक्स्ट इसमें आप क्या कर सकते हो, CH3 को ऊपर, हाइड्रोजन को नीचे, तो इसमें डबल मेंबर्ड मतलब ये डबल रिंग मतलब सॉरी डबल बॉन्ड के वजह से यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। चलो क्या लास्ट वाले में पॉसिबल है क्या, वो चेक करते हैं। सबसे पहले यहां पे डबल मेंबर्ड रिंग है, ये तो स्पाइरो नहीं है, ठीक है, अब यहां पे आप चेक करना, सबसे पहले चीज दो सब्स्टिट्यूटेड रिंग पे दो जो कार्बन है इस पे दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब क्या रहेगा, यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, इसकी वजह से सब्स्टिट्यूटेड रिंग के वजह से, ठीक है। अब लास्ट वाले पे चेक करते हैं, अगर आप ये डबल बॉन्ड चेक करोगे तो ये जो कार्बन है इस पे तो दोनों जो मिथाइल है ये तो सेम ही ग्रुप हो गया, सेम ग्रुप हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता ना, क्योंकि ये एक्स वाई रहना चाहिए, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, सब्स्टिट्यूटेड रिंग पे। सब्स्टिट्यूटेड रिंग पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, दो sp3 कार्बन है, दोनों पे जो ग्रुप है ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट रहने के वजह से आप क्या बोलोगे, यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलो। एग्जाम में हाइड्रोजन नहीं देंगे, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि वहां पे हाइड्रोजन है करके, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए ये एग्जाम्पल्स ले लेना। माइक बंद कर देना बिगने। इनको डाउट रहेगा पूछ सकते हो। Thank you.